वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आपका यूनिट 7 है, इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका, ये क्या हो गया भाई, येलो 20 है। ठीक है, आपसे पहले हमने जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो 1 से लेकर 19 तक हमने एक एक करके डिस्कस कर लिए। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का, ठीक है, जिसमें आपके छोटे छोटे पार्ट्स दे रखे हैं। ठीक है, आ दे रखा है, बा दे रखा है, सा और दा, इन सबको हम एक एक करके कर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम केवल आपका आ क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, आ के बारे में हम बात करेंगे। कह रहा है फिनॉल फार्मेल्डिहाइड रेजिन अथवा बैकेलाइट पर टिप्पणी लिखिए। फिनॉल फार्मेल्डिहाइड रेजिन अथवा इसी को क्या कहते हैं, बैकेलाइट के नाम से जानते हैं, तो इस पर टिप्पणी लिखनी है कि क्या होता है, ये कैसे बनता है। ठीक है, तो ये हो जाएगी इसकी टिप्पणी। दूसरा, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन पर टिप्पणी करनी है आपको। तीसरा, टेफ्लॉन को समझाना है, मतलब टेफ्लॉन को किस तरह से बनाया जाता है, कौन सी इसमें प्रोसेस होती है, ठीक है, ये बताना है। फोर्थ कह रहा है अपॉक्सी रेजिन को समझाइए। तो ये आपको आ बा सादा चार दे रखे हैं, चारों को हम एक एक करके सभी पे टिप्पणी लिखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ए की, आ की। ठीक है, जो फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन अथवा वैकेलाइट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हम चलते हैं आ की तरफ, क्वेश्चन आंसर हम करते हैं आ आ। ठीक है, क्या था आपका, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, या आपका क्या कहलाता था, ये वैकेलाइट, क्या कहलाता था, बैकेलाइट या फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, PPR। ठीक है, तो इस पे हमें टिप्पणी लिखनी है, मतलब इसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है, किस तरह से ये बनता, मोस्टली बस यही, और इसके दो चार यूज लिख देने, बस इस पे टिप्पणी हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड को किसी क्षारकीय उत्प्रेरक की उपस्थिति में, किसको, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड को, एक आपका क्या होगा फिनॉल होगा, दूसरा क्या होगा फॉर्मेल्डिहाइड होगा। ठीक है, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, तो इनको किसी क्षारकीय उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या कराया जाता है, संघनित करके बनाया जाता है, क्या करके, संघनित करके बनाया जाता है। ठीक है, संघनन मीन्स जैसे मान लो जो आपका वाटर है उसको गर्म करने पर वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है या वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, उसी वाष्प को दोबारा ठंडा करके अगर हम जल के रूप में प्राप्त करते हैं तो वो आपका कहलाता है संघनन या कंडेंसेशन। ठीक है, तो इस प्रक्रिया द्वारा इसको बनाया जाता है, इसको बैकेलाइट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बैकेलाइट नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, किसको, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन को बैकेलाइट नाम से भी जानते हैं। रिएक्शन किसकी करनी है, आपका फिनॉल होगा और क्या होगा आपका फॉर्मेल्डिहाइड, और आपका एक कैटलिस्ट होगा जो कि कैसा होगा आपका क्षारीय। ठीक है, क्षारीय मीन्स क्षारक जो कैटलिस्ट होगा उसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय प्रकृति का आपका कैटलिस्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम बात करते हैं फिनॉल की, क्या ले लिया यहाँ पर, फिनॉल है आपका और दूसरा ये क्या है आपका एल्डिहाइड, क्या है आपका एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ठीक है, और CH, HCHO है, तो ये हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, क्या हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, एक आपका क्या है फिनॉल है, दूसरा क्या है आपका एल्डिहाइड, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे किसकी उपस्थिति में, किसी क्षारक की उपस्थिति में। ठीक है, किसी क्षारक की उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये अभिक्रिया करेंगे। ठीक है, तो मान लो जब ये अभिक्रिया करेगा तो ये क्षार क्या, क्षार क्या होता है, कोई भी आपका KOH हो सकता है, आपका NaOH हो सकता है, ये क्या करता है OH माइनस को यहाँ से ड्राइव करेगा। ठीक है, OH माइनस देता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है आपका क्षार हो जाता है, जो H प्लस आयंस देते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, एसिड हो जाते हैं या अम्ल हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंस कैसी होगी, क्षारीय माध्यम की प्रेजेंट होगी, जो भी आपका उत्प्रेरक होगा तो वो क्या करेगा यहाँ पर OH माइनस आपको देगा। ठीक है, OH माइनस आयन यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा। अब ये फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड ये दोनों मिलके क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। ठीक है, किस तरह से करेंगे, अब यहाँ पर क्या है आपका एल्डिहाइड HCHO, ये हो गया आपका फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, अब दूसरा क्या लगा हुआ है आपका, एक फिनॉल है, फिनॉल, ठीक, सिंथेसिस देख लेना। अब यहाँ पर जो आपका HCHO इसको किस तरह से लिख सकते हैं, CH2O। ठीक है, यानी कि कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इसी कार्बन से आपके दो हाइड्रोजन जो है
लगे हुए हैं, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इसका यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा, ठीक है, यहाँ पर इसका जो हाइड्रोजन होगा, या यहाँ पर बेंजीन का जो हाइड्रोजन होगा, कुछ इस तरह से यहाँ पर इसका फिनॉल का जो हाइड्रोजन होगा ये वाला, और इसका जो आपका OH है, ठीक है, जो हमें कहाँ से मिला है, किसी क्षारकीय उत्प्रेरक से मिला है, ठीक है, किससे मिला है, किसी क्षारकीय उत्प्रेरक से मिला है। तो यहाँ से जो H निकलेगा, ठीक है, यहाँ से आपका H निकलेगा और कहाँ चला जाएगा, आपका OH के साथ में, ठीक है, और क्या बना लेगा, आपका H2O बना लेगा, ठीक है, क्या बना लेगा, H2O। और ये जो आपका CH2O है, ठीक है, ये आपका क्या करेगा, CH2OH यहाँ पर आपका जाके लग जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पर, ये यहाँ ना लग के कहाँ लगेगा आपका, यहाँ पर CH2 और OH, ठीक है, CH2OH की फॉर्म में आपका यहाँ पर लग जाएगा, ठीक। अभी जो OH मिला है, ये दोबारा से हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, और इससे जो ये यहाँ पर बॉन्ड टूटा था भाई, ये बॉन्ड टूटेगा जब ही जाके ये वाला कार्बन से हाइड्रोजन लगेगा, फिर ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा और यहाँ पर क्या बना देगा, OH बना देगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, CH2OH, ठीक, क्या हो गया आपका, CH2OH प्लस। हमने क्या करा, एक क्या है आपका, एक ये जो मॉलिक्यूल है आपका कैसा हो जाएगा, ऑर्थो वाला हो जाएगा, ठीक है। ऑर्थो पे क्या लगा हुआ है आपका, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ, ऑर्थो हाइड्रोक्सी आपका बेंजाइल एल्कोहल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल, ठीक है। इस तरह से ये क्या है, ये OH के अपोजिट में लगा हुआ है, ठीक, कहाँ लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी, और क्या हो जाएगा, बेंजाइल एसिड, ठीक, बेंजाइल एल्कोहल, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल, ये आपके दो मिल जाएंगे, ठीक है। एक क्या ले लिया हमने, आर्थो, दूसरा क्या ले लिया, पैरा, ठीक है। मतलब ये पॉसिबल पॉसिबिलिटीज हैं इन दोनों के बनने की, एक कहाँ, यहाँ पर लग सकता है आपका जो फॉर्मेल्डिहाइड है, दूसरा कहाँ लग सकता है, यहाँ पर लग सकता है। अब इन्हें हमने क्या करा, ये जो दो हमें प्रोडक्ट मिले हैं, ठीक है, दो फॉर्म जो आपकी पॉसिबिलिटीज है, ये बन सकते हैं, ठीक है। तो हमने ऑर्थो और पैरा, जो आपका बेंजाइल आपका एल्कोहल है, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, ठीक है, प्लस इन दोनों को मिला दो, और क्या कर दिया, इसके बाद जो होगा आपका क्या होगा, संघनन होगा, ठीक है। वो किस तरह से होगा, उसमें आपका क्या बनेगा, ये देखो, अब जो आपका पैरा और आर्थो पोजीशन वाले थे, ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल, और एक क्या था आपका, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल, अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे को आपस में कुछ इस तरह से लिंक करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से, ये क्या हो जाएगा आपका पैरा हाइड्रोक्सी, ठीक है, ये भी आपका पैरा हाइड्रोक्सी और ये भी पैरा हाइड्रोक्सी, ठीक, और यह क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका क्या हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी और ये भी पैरा हाइड्रोक्सी। तो ये एक दूसरे को कुछ इस तरह से लिंक कर लेंगे, ठीक है, इसको कहते हैं क्रॉस लिंक, क्या कहते हैं, क्रॉस लिंक चेन, क्रॉस लिंक चेन कहते हैं इसको, ठीक है। एक दूसरे को इस तरह से अरेंज कर लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल क्या होगा, उसका ऊपर लगा रहेगा, दूसरा मॉलिक्यूल जस्ट उसके नीचे उसी के अणुओं से बंधा रहेगा या जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा आपका, क्रॉस लिंक चेन, जो कि आपकी बहुत बड़ी चेन होगी ये, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, पॉलीमर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉलीमर जो है आपका बन जाएगा, है क्या ये आपका, हम पढ़ के आ रहे हैं बैकेलाइट, क्या है ये, बैकेलाइट है आपका, ठीक है। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, त्रियकबद्ध बहुलक बैकेलाइट, त्रियकबद्ध मतलब कि आपका क्या होगा, क्रॉस चेन लिंक्ड होगा, ठीक है, क्रॉस लिंक्ड चेन होगा, जैसे त्रियकबद्ध कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, रेडियो टेलीविजन के उपकरण बनाने में, जो आपका क्या है, बैकेलाइट है, रेडियो और टेलीविजन के उपकरण बनाने में इसका यूज होता है। कह रहा है इलेक्ट्रिक आयरन के हैंडल, जो आपके इलेक्ट्रिक आयरन होती है उनके हैंडल भी आपके इसी से बनाए जाते हैं, वॉशिंग मशीन के हैंडल भी इसी से बनाए जाते हैं, फाउंटेन पेन जो आपका होता है वो भी इसी से बनाया जाता है, ठीक है, किससे, बैकेलाइट से, और लेमिनेटेड टेबल टॉप आदि भी इसी से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इन सभी इसमें, इन सभी को बनाने में इसका यूज किया जाता है, किसका, बैकेलाइट का। तो यहाँ पर तीन चार यूज दे रखे हैं, वो आपको याद कर लेना और ये सिंथेसिस आपको याद कर लेनी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बैकेलाइट, ठीक है, क्या, बैकेलाइट पर टिप्पणी, या फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन पर टिप्पणी, ठीक है। तो ये तो था आपका आ पोर्शन, अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में बा पोर्शन की, ठीक है, जो कि आपको दे रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर द वीडियो।